नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आप देख रहे हैं YouTube चैनल खबर आप तक। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की अपनी इस बात को मायावती ने बड़ी भूल बताया है। मायावती ने कहा कि हमें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था, ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। साथ ही आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने आपसी गठबंधन किया था, लेकिन उसका कोई अपेक्षित परिणाम नहीं निकल सका। मायावती ने आगे यह भी कहा कि आने वाले समय में राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर उन्हें बीजेपी को भी वोट करना पड़ेगा तो वो इसमें पीछे नहीं हटेगी। और साथ ही 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम बीजेपी के समर्थन में वोट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे भी हम करेंगे, लेकिन समाजवादी के प्रत्याशियों को बुरी तरह से हराएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कई समय से समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति हावी है, लेकिन नरेंद्र मोदी के 2014 में वहाँ से कैंडिडेट बनने के बाद बीजेपी समर्थित उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों की राजनीतिक संकट में है। ऐसे में मायावती का पहले समाजवादी के साथ गठबंधन करना और अब भाजपा की तरफ आने का संकेत देना क्या उत्तर प्रदेश की जनता के साथ एक तरह से छल नहीं है? पहुंचाते रहेंगे लिए आपके लिए एक के बाद एक नई जानकारी। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल खबर आप तक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।